आफ्टर द एंड हो गया और मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक हो गया। मैं इस वक्त गाजीपुर लोकसभा में आया हूँ। गाजीपुर लोकसभा सीट का माहौल क्या है जानने के लिए, वजह यह भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 370 की शुरुआत रविवार से कर रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश की हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष अपना पुरजोर जोर लगाएंगे। तो गाजीपुर लोकसभा सीट ऐसी है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जिन सीटों पर ज़्यादा अंतर से जीत हासिल की उनमें गाजीपुर भी एक है। अफजाल अंसारी सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व रेल राज्य मंत्री और वर्तमान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को 1,00,000 से ज़्यादा वोटों से हराने में कामयाब हुए थे। अफजाल अंसारी इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और बीजेपी गाजीपुर सीट को कठिन मांग हुए अभी तक उसने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। गाजीपुर के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि गाजीपुर में पिछले 25-30 वर्षों में यहाँ की विधानसभा में कोई ऐसा विधायक नहीं रहा जो दोबारा जीत पाया हो और ठीक उसी तरह करीब 30 सालों से ऐसा है कि यहाँ कोई ऐसा सांसद नहीं है जो दोबारा रिपीट किया हो लगातार। वैसे तो मनोज सिन्हा भी दो बार चुनाव जीते हैं, अफजाल अंसारी भी दो बार चुनाव हैं जीते हैं लेकिन लगातार नहीं जीत पाए। तो आज मैं ये चुन्नू टी स्टॉल जो गाजीपुर में पिछले 30-35 सालों से सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं का ठीहा है और चट्टी चौराहों की तरह सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर दिलचस्पी रखने वाले लोग और अपना मत रखने वाले लोग यहाँ मिल जाते हैं, तो आज मैंने सोचा माहौल क्या है, मैं थोड़ा मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर के सियासी समीकरण पर क्या फ़र्क पड़ेगा और अफजाल अंसारी क्या वो रिकॉर्ड जो पिछले 30 वर्षों से रिपीट ना कर पाने का कर पाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, तो क्या विचार है आपका? 2014 लोकसभा के चुनाव में 24 के चुनाव में मुख्तार अंसारी जी के निधन से समाजवादी पार्टी को बहुत लाभ हुआ। अफजाल अंसारी जी फिर चुनाव जीतने जा रहे हैं। 35 वर्षों का यह रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी इस बार तोड़ने जा रही है। मैं समाजवादी पार्टी का जिला प्रवक्ता मीठेबरा। अफजाल अंसारी जी का कोई जोड़ नहीं, उनके कदकाठी का नेता आज तक बीजेपी खोज नहीं पाई है। प्रत्याशी आज तक गाजीपुर में भाजपा का घोषित नहीं है। हताशा है, वहाँ खोजे जा रहे हैं लोग किनको लड़ाया जाए अफजाल अंसारी जी के खिलाफ। अफजाल अंसारी जी का एक राजनीतिक इतिहास रहा है, संघर्षों का इतिहास रहा है, गरीबों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ने का इतिहास रहा है, जुल्म और जालिम के खिलाफ लड़ने का। पिछली बार किस पार्टी के सांसद उम्मीदवार? बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार थे। इस बार सपा से? इस बार समाजवादी पार्टी से। ये ज़्यादा वक्त नहीं हुआ जब अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को पार्टी में लेने की वजह से अखिलेश यादव ने अपने एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया था, तब अफजाल अंसारी वो अफजाल अंसारी नहीं थे? अफजाल अंसारी थे, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सारे लोग एक हुए हैं, इंडिया गठबंधन बना है। हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। आज बेरोजगारी का यह आलम है कि बेरोजगार नौजवान अपनी डिग्रियाँ फूंक रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आज तक सफल नहीं हो पाई। इस सवाल पर तो योगी सरकार को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कानून व्यवस्था फेल हो रही है। मोदी जी का राजनीतिक क्षेत्र है वाराणसी और उनके पार्टी के IIT सेल के पदाधिकारियों ने BHU की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं, उनका बुलडोजर चला क्या? कानून व्यवस्था फेल है, संगठित अपराध पर नकेल कसी जा रही कि नहीं? बहुत लोग कह रहे हैं माफियाओं के खिलाफ ऐसी निर्णायक जंग किसी सरकार ने लड़ी नहीं, लोगों ने दूसरी पार्टियों ने संरक्षण दिया माफियाओं को? कोई संगठित अपराध नहीं है, जुल्म और जालिम के खिलाफ लड़ने का इतिहास रहा है मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी का। लोगों के पेट में मरोड़ पैदा होता है कि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी कैसे राजनीति करें। जो यहाँ की सामंतवादी ताकते हैं उनसे चिढ़ती हैं, उनसे ईर्ष्या रखती हैं, लेकिन आप गरीबों के साथ। आपका नाम क्या है? मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, एक मुझे आप बताइए, एक बात कही जाती है गाजीपुर के बारे में कि ये इलाका जो था शुरुआती से कम्युनिस्ट नेताओं का था, यहाँ पर कम्युनिस्ट नेताओं ने अपना जनाधार बनाया था, सरयू पांडे इतने बड़े यहाँ के नेता थे, तो ये कम्युनिस्टों की और एक विचारधारा की राजनीति ने ये क्रिमिनल्स के हाथ में यहाँ की राजनीति धीरे धीरे कैसे चली गई? ये अफजाल अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी के पहले विधायक थे, 1985 में पहली बार चुने गए थे। वो मुझे मालूम, ये विचारधारा के ही लोग थे, वो कहीं अलग नहीं हुए। वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा में परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती रहती, आदमी जाता रहे। आज तो कांग्रेस छोड़कर लोग जा रहे हैं बीजेपी में और तुरंत राज्यसभा उनको दिया जा रहा है।
आखिर क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी को उनके लेने की? क्या उनके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहते हैं? हाँ, ये बात सही है। इधर जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उधर लिस्ट में नाम आ जा रहा है, और अलग अलग पार्टियों का राज्यसभा। अभी तो आज ही बीजेपी ने दो नेताओं को ज्वाइन कराया, तुरंत तुरंत से महाराष्ट्र में टिकट भी दे दिया। आपका क्या विचार है? आप भी किसी पार्टी से? जी, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, और गाजीपुर में जो लहर है अब चाल अंसारी का, कांग्रेस का एक समय में कांग्रेस के यहाँ विधायक और MLA MP सब जीतते थे, जैनुल बशर यहाँ के, कांग्रेस तो एकदम सुपड़ा ही साफ है कांग्रेस पार्टी का यहाँ गाजीपुर में। नई परिस्थितियाँ होती है, कांग्रेस पहले यहाँ बहुत मजबूत थी, इस समय कमजोर है। 2009 में भी हम लोगों ने राधे मोहन सिंह को समर्थन दिया था और वो 2009 में चुनाव जीते थे। आज भी अफजाल अंसारी को हम समर्थन दिए हैं, और निश्चित तौर पर अफजाल अंसारी पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ करके आगे बढ़ेंगे, पिछले रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। तो अब कांग्रेस पार्टी के समर्थन देने का उत्तर प्रदेश में है क्या? अमेठी और रायबरेली में कैंडिडेट भी नहीं खोज पा रहे हैं आप लोग कि कौन चुनाव लड़ेगा? ये 2 महीना बचा हुआ चुनाव। नहीं, अमेठी और रायबरेली में एकदम पुख्ता कैंडिडेट है, लेकिन उसको डिले किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी तो वहाँ नहीं दे रही है, पहले दे तो हमारे पास। अमेठी अनाउंस नहीं है, स्मृति ईरानी का? अमेठी अलाउंस है, रायबरेली नहीं है, लेकिन हमारे पास कैंडिडेट है और पूरी तरह से वो तयमयता से लड़ेंगे, और रायबरेली और अमेठी तो 100% श्योर सर्टेन है कि हम चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम गाजीपुर की चर्चा कर रहे हैं, और गाजीपुर में पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल और सब लोग चुनाव प्रचार शुरू कर दिए हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी अभी तक एक मुख्तार की घटना की वजह से क्या फर्क पड़ेगा? आपका बाहुबल कमजोर होगा? नहीं, कमजोर नहीं होगी, सहानुभूति मिलेगी अफजाल अंसारी को, सहानुभूति, क्योंकि जो मुख्तार अंसारी साहब की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो एक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। गरीबों के लिए उन्होंने जो किया है उसका आप कोई तोड़ नहीं निकाल सकते हैं। आज आप गए होंगे, आप बाहर से दिल्ली से आए हैं, बात बताइए, कोई आदमी 19 साल लगातार जेल में रहा, 8-8 मुकदमों में उसको अभी सजा हुई, 2 मुकदमे में उम्र कैद हुआ, उस आदमी को मसीहा कहते वक्त आपको लगता नहीं कि आप नहीं, आप लोकल गांवों के क्षेत्रों में जाइए। मोहम्मदाबाद का, मैं मोहम्मदाबाद से MLA का चुनाव भी लड़ा हूं, 2017 में मैं MLA का चुनाव लड़ा हूं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइए तो मुख्तार अंसारी को लोग देवता की तरह आज भी पसंद करते हैं, क्योंकि वो गरीब लोगों का काफ़ी हद तक सहायता किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसका उस सहानुभूति का लहर पूरे गाजीपुर जनपद में है, और लोकसभा में पूरे पूर्वांचल में है, गाजीपुर में नहीं है। बड़े लोगों का, बड़े लोगों से सारे आय के जितने संसाधन है सब पर कब्जा करना और उसको गरीबों में बांटना थोड़ी थोड़ी, अब जब परिस्थितियां हैं, हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं वो उनके अंदर सहानुभूति उनके प्रति है, और निश्चित तौर पर उसका लाभ लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। तो 5 किलो राशन का नहीं कुछ फर्क है? अच्छा, राशन का क्या फर्क पड़ेगा? राशन क्या मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं? ये तो अंसारी क्या अपने घर से वहाँ फसल बेच के कटवा के जो पैसा आता था वो गरीबों में बांटते थे? नहीं, वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो एक जुमला बोल करके और 3-5 करके लोगों को भरमाए हुए हैं, उनके जुमले की बात है, उनका तो केवल जुमला ही चलता है, सब भरमाने का खेल ही चल रहा है। हाँ जी, बताइए आपका क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या करते हैं? राजनीति करते हैं हम भी, भारतीय जनता पार्टी के दिव्यांग। यार, एक सपा, एक कांग्रेस, एक BJP सब सेटिंग करके बैठे थे क्या? या रोज बैठते हैं? रोज बैठते हैं। अच्छा, तो ये शाम को स्टूडियो में 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे डिबेट चलती है, तो हमको लग रहा है इस चाय की दुकान पर भी इसी तरह से है क्या मामला? इसी तरह का मामला है। तो यार, सपा कांग्रेस वालों का जवाब क्या आपके पास है ये बताइए? पिछले 5 सालों में माननीय सांसद अफजाल अंसारी ने क्या किया यही सपा वाले लोग बता दें या कांग्रेस बता दें, उसके पूर्व के 5 साल का कार्य देख लिया जाए। सरकारें नहीं तो क्या काम कराएंगे? तो कहे के लिए सांसद विकास, इसका मतलब 543 सीटों पर विपक्ष का कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए? विपक्ष में होते हुए भी तो कुछ करना चाहिए। सांसद निधि उनकी कहाँ गई? जितने दिन थे उतने दिन की सांसद निधि कहाँ गई यही बता दें। सिर्फ कब्रिस्तानों की बाउंड्रियाँ बनी, और कुछ बना है तो बता दें, कुछ भी बनवाए और तो बता दें, कब्रिस्तान के बाउंड्रियों को छोड़ के। एक आवाज़ बताइए, काम ही पैमाना होता तो मैं खुद ही कई बार बोलता हूँ भी हूँ, कहता भी हूँ कि
मनोज सिन्हा से ज़्यादा काम गाजीपुर में किसी सांसद ने कराया नहीं, नहीं कराया। दूसरी बात है कि कोई, हमको लगता है कि कोई एमपी मंत्री भी नहीं बना, नहीं गाजीपुर का कोई एमपी मंत्री भी नहीं बना जहाँ तक मुझे याद है, पिछले 40 सालों का तो मुझे याद है नहीं। जैनुल बसर भी कभी कांग्रेस में मंत्री तो बन नहीं पाए, दो बार एमपी बने थे, बड़े नेता भी थे, तो कोई मंत्री भी तो नहीं बना, यही मनोज सिन्हा ही तो मंत्री भी बने थे। तो मंत्री नहीं बने थे तो भी तो कुछ काम कराना चाहिए, क्योंकि मंत्री बनने के बाद ही काम कराएंगे। वीरेंद्र मस्त भी तो बलिया में, वो मंत्री नहीं है, कहाँ से वहाँ काम चल रहा है, हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, तो उनका टिकट कहाँ कट रहा है, अभी घोषित कहाँ हुआ है? अरे पूरा आगे घोषित हो जाएगा, बीजेपी में तो पहले कहवाया जाता है कि इस बार हम चुनाव लड़ने के लिए अनिच्छुक हैं, देश की हमने बहुत सेवा कर दी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं कि पारस, पशुपति पारस एलजेपी के जो थे उनको पहले बीजेपी ने तोड़ा, चिराग पासवान को अकेले छोड़ा, जब ये 5 सांसदों के साथ आए इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, अभी बेचारे कैबिनेट मिनिस्टर के मंत्री कुर्सी पर थे तब तक उनको छोड़ा और चिराग पासवान को ले आया और 5 सीटों का ऐलान कर दिया। पशुपति पारस कैबिनेट मिनिस्टर थे, रिजाइन दे दिए, गए वहाँ पटना, सुने कि लालू वालू जी को फ़ोन किए, वो लोग कहे भाई वैकेंसी ख़त्म है, आज इसके बाद फिर फोटो लगा दिए मोदी जी के साथ कि आदरणीय मोदी जी ही हमारे नेता रहेंगे और हम 400 सीटों के। तो बीजेपी का खेल तो बड़ा अजीब टाइप से चल रहा है, ये खेल नहीं, कोई खेल नहीं चल रहा है, जहाँ जैसे जो सेट हो रहा है वहाँ रह रहा है, वही सेट हो रहा है जी। आपके यहाँ सेट बहुत हो रहे हैं दूसरी पार्टी वाले, तो हर पार्टी में होते हैं। गाजीपुर में आपका कौन कैंडिडेट सही रहेगा ये समझ में, अभी तक आए अनाउंस नहीं हो रहा है। कमल का फुल कैंडिडेट है, मनोज सिन्हा जी के परिवार का भी कोई आ सकता है? कमल का फुल अभी कैंडिडेट है, जब घोषित होगा जो रहेगा वो कैंडिडेट रहेगा। एक बात बताइए, यूपी की सबसे कठिन सीटों में गाजीपुर आती है बीजेपी के लिए? जी हा? जी यहाँ चुनाव मुश्किल है ना, मैं एक साल पहले आया था, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ जी जो मिशन यूपी शुरू किए थे उसकी शुरुआत गाजीपुर से ही किए थे, आपको याद होगा जी। तो उसके बाद वो क्रम जारी रहेगा, उसमें क्या है, मुख्तार अंसारी का कोई फर्क पड़ेगा ये घटना का? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता पिछले 5 साल के कार्य को देख चुकी है, अब जनता के मन में विकास पुरुष की याद आ रही है कि विकास पुरुष थे तो गाजीपुर का कितना विकास हुआ, क्या हुआ। ये जो लोग कह रहे हैं जो सहानुभूति, सहानुभूति कुछ सहानुभूति तो रहेगी, हर आदमी के साथ रहती है, लेकिन वैसी सहानुभूति नहीं रहेगी कि वही जीतेंगे। हाँ जी, इनसे बात कर लीजिए गुड्डू। अरे गुड्डू से कहा, हम से बात कर तो लिए, बताइए सर आप क्या पूछना चाहते हैं, तो उसका सवाल का जवाब दें हम। आप सवाल कीजिए तब जवाब देंगे आपका। अरे हम तो कई सवाल, हमारा ये है कि पहले तो मुख्तार अंसारी की ये जो घटना हुई, मौत हुई, इसका कोई गाजीपुर के चुनाव पर फर्क? देखिए सहानुभूति तो हर लोगों को मिलती है, वो मुख्तार अंसारी हो या मैं हूँ, कोई भी राजनीतिक आदमी होता है। अरे आप तो अभी हैं कहाँ? अरे अरे हमारा को नहीं, अभी नहीं जाएंगे अरुण भाई, अभी नहीं जाएंगे तो अभी सहानुभूति लेने लगे। सुनिए और देखिए, हर आदमी विकास के लिए जीता है मरता है, तो देखिए ऐसा है कि हमने तो बड़े मंत्रियों को देखा, यहाँ मंत्रियों ने किसी ने काम नहीं किया कुछ ज़्यादा, यहाँ बस मनोज सिन्हा जी ने काम बहुत किया, और अगर मनोज सिन्हा कैंडिडेट यहाँ होते हैं तो लड़ाई जो है सपा और कांग्रेस के गठबंधन से अच्छी खासी लड़ाई होगी। नहीं तो नहीं तो क्या, लड़ाई अच्छी खासी होगी, टक्कर की जो है कांटे की टक्कर होगी। केवल मनोज सिन्हा उम्मीदवार रहेंगे तभी? हाँ तभी, और कोई नहीं, और कोई नहीं, या उनका लड़का भी आएगा तो हो सकता है, और कोई नहीं, और किसी को हमें नहीं उम्मीद है कि कोई टक्कर दे सकता है। किसको? अफजल अंसारी को। क्यों? बस विकास जिसने किया है उसी का लोग नाम लेते हैं और लेते रहेंगे, और ईमानदारी यही है। तो अफजल अंसारी ऐसा क्या, ये कह रहे 5 साल में कोई नाम गिना सकते? अरे भाई नहीं था, होता है ना कि किसी के मरने पर किसी को कुछ सहानुभूति मिल जाती है, सहानुभूति जो है मिल जाती है। एक मिनट, राजीव गांधी जी इसी पर प्रधानमंत्री बना दिए गए थे, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी 1984 में, तो उसके बाद राजीव गांधी जी को पूरी सहानुभूति मिली और देश के प्रधानमंत्री बने, तो इस तरह की सहानुभूति आती है। और गाजीपुर हमारी जो है
पूरे हिंदुस्तान में जो है सबसे बेहतरीन सीट मानी जाती है। गाजीपुर विद्वानों की नगरी है, गाजीपुर में बहुत से काम होते रहते हैं। एक बार बताएं, जिस जिले में मैं जाता हूँ उस जिले वाले कहते हैं ये जिला इस वजह से जाना जाता है, तब विद्वानों की नगरी, तो संतों की नगरी, तो महापुरुषों के, हर जिले के लोग कहते हैं कि ये अलग जिला है, और मुझे सब जिला एक ही तरह लगता है। अरे चुनाव तो या तो धर्म के कार्ड पे होता है। अच्छा लग रहा है कि आपको बराबर हर जगह देखते रहते हैं, बस टीवी पर खूब देखते हैं कि यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। मैं सुल्तान नाही था, मैं समाजसेवी हूँ, और मैंने एक प्रतिज्ञा कर लिया है कि जो विकास करेगा उसी को वोट दूंगा, और पब्लिक से भी यही कहूंगा कि पब्लिक उसी को वोट दे। हम लोग भी उसी के साथ है, जो विकास करता हम लोग भी उसी के साथ। तो कौन विकास किया गाजीपुर का? हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी का दिखलाई दे रहा है। 2014 में जब सांसद बने, रेल राज्य मंत्री बनाए गए, दूर संचार मंत्री बनाए गए, 1000 करोड़ रुपया उन्होंने कलकत्ता बोर्ड एवेन्यू से लेकर के आए रेलवे के लिए। आज तक 200 वर्ष में अंग्रेजों के बाद रेलवे के कार्य में किसी ने इतना बड़ा कार्य नहीं किया जितना बड़ा हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी ने कार्य किया। फिर 269 करोड़ रुपया लेकर के आए, आज ये धरातल पर काम हमारा दिखलाई दे रहा है। जो कांग्रेस की सरकार कहती थी 1980 से कि भारत में कभी, एक बात बताइए, मैं खुद कम से कम अपने दसियों कार्यक्रम में बोल चुका हूँ कि गाजीपुर में बहुत साल से आता हूँ, बहुत साल से देख रहा हूँ, जो काम मनोज सिन्हा ने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन मैं सुन रहा हूँ, दूसरी बात ये भी है, उसका एक पक्ष ये भी आप मानिए कि गाजीपुर में पिछले 50 वर्षों में या उसके भी पीछे शायद कोई भी दूसरा सांसद केंद्रीय मंत्री भी नहीं रहा, ये भी एक कारण तो है। रेल के कार्य में हमेशा बिहार के बनाए जाते थे, क्योंकि रेल के कार्य में आज हमारे भारत में 36,000 किलोमीटर रेल का कार्य चलता है। बात पूरी सुनिएगा तब समझ में आएगी आपको। भारत की सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था रेलवे से हमारी जो है आती है, बात समझ रहे हैं हमारी ना। आज पूरे जो है आज़ादी के बाद नहीं, 200 बरस में गाजीपुर होते हुए दिल्ली से इसको जोड़ा गया है कलकत्ता से। ये है कि इनकी आवाज़ क्यों बुलंद है, क्योंकि इन्होंने डबल टोपी लगाया है। आज डबल रोजा भी है, डबल इंजन की सरकार भी है। ये सब हमारे भारत में चल रहा है, हमेशा चलता रहेगा। मैं इतिहास से पीजी कॉलेज से एमए हूँ, फिर डबल एमए हूँ, उसके बाद बहुत सी चीजें। डबल एमए, डबल टोपी, और भाजपा में किस पद पर है? भाजपा में मैं किसी पद पर नहीं हूँ, लेकिन जिस पद पर बुलाया जाता है, जिस मंच पर बुलाया जाता है, दहाड़ के बोलता हूँ, तो उसमें है उस तरह का मामला है, और मुझे किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मैंने बहुत सा कार्य ऐसा किया है जो मुझे जाना जाता है। 1995 में कल्याण सिंह जब हमारे मुख्यमंत्री थे, कमल के फोटो में उनका हमने बनाया था। मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, आर्ट लॉन्ग बट लाइफ इज शॉर्ट, कलाकार बहुत ऊँचा होता है, ज़िंदगी बड़ी छोटी होती है। और गाजीपुर में जो लोग भी आते रहते हैं, सभी कहीं ना कहीं मुझसे जो टकराए होंगे, चाहे माननीय मुख्तार अंसारी जी रहे हों 1995 में। अरे तो कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार, योगी सरकार, चुन चुन के जो उनके खिलाफ अपराधी हैं, जो विरोधी हैं, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो उनकी सरकार की तरफ चले जा रहे हैं, जो उनके तरफ हो बचे एकदम साफ। ये तो बात सच है, ये तो बात, जो बात सही है उसको कहा जाएगा, जो गलत, जो सही हो रहा है, जो विकास का काम है जो मनोज सिन्हा जी ने किया उसको तो सभी लोग जानते हैं, कोई उसमें कहने की जरूरत नहीं है। विरोधी का काम है विरोध करना, जब तक हमारा विरोध नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मूर्ति वही पत्थर बनता है जो छेनी हथौड़ी के मार सह ले, जो पत्थर अगर नहीं सहा वो चटक जाता है। इस वजह से विरोध होना चाहिए, विरोध नहीं होगा तो हम अपना कार्य कैसे अच्छे से करेंगे। अब जरा इधर, हाँ जी, अरे इनसे हम बात कर लिए, यहाँ पर तो पूरा हाउसफुल मामला चल रहा है। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं अवनीश सर, लेखक हूँ और एक शिक्षक भी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय लेखक हूँ सर। एस्पेक्ट्स इनवर्स मेरी एक पब्लिश बुक है, नोशन प्रेस से पब्लिश हुई है। यार छुपे रुस्तम निकल गया है ना, देखने में छोटा लगा है, घाव करे गंभीर। तो सर एक टॉप रेटेड ई बुक है मेरी, हार्डवर्क डज इट रियली मैटर्स, प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, ये 5-स्टार रेटेड बुक है। हमारे प्रोग्राम में खाली अपन प्रचार कर रहे हो, बताते हैं कि सर राजनीतिक पार्टियाँ जो बोले, लेकिन सच्चाई ये है कि सत्ता किसी की भी रही हो, अगर यूपी के 5 जिलों जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया है, जो जिलों का नाम निकाला जाए, तो गाजीपुर पहले नंबर पे आएगा, एक नंबर पे आएगा। रोड आप देख ही लिए, अरे कैसा हम क्या बोले जो सबसे पिछड़े यूपी के जिले माने जाएंगे, उसमें अब हमको गाजीपुर से पिछड़ा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा बुंदेलखंड में कुछ है, लेकिन तो उनकी भी स्थिति, यहाँ रोड में गड्ढे नहीं होते हैं, गड्ढों में कहीं कहीं रोड मिल जाएगा आपको, है ना, स्थिति ये है। और बलिया जैसे जिले को, आजमगढ़ जैसे जिले को विश्वविद्यालय मिल गया, हमारे यहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारी रहे या फिर मुख्तार अंसारी देश के नामी माफिया रहे,
या फिर यहाँ के केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा बन जाए, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं मिलने वाली है, जबकि विश्वविद्यालय के सारे मानकों को ये जिला पूरा करता है। केवल हम लोग माहौल बना रहे हैं कि हमारा जिला ये अच्छा, किसी सत्ता किसी की भी रही हो, मायावती बहन जी रही हो या फिर योगी आदित्यनाथ जी रहे हों या फिर हमारे सपा के अखिलेश यादव जी रहे हों, इन्होंने गाजीपुर में रोजगार के लिए क्या दिया, कौन सी मिल दी, कौन सी फैक्ट्री दी कि यहाँ के बच्चे यहाँ के युवा फैक्ट्री बंद होगी कि चल ले, वो धुआं उड़ता है थोड़ा बहुत, धुआं उड़ने पर चलती है, आवाज आता है, लोग सुबह सुबह सुन लेते हैं कि हाँ मशीन चाली हुआ है। तो यही स्थिति है इस जिले की कि सत्ता किसी की भी रहो, इस जिले को तो नज़रअंदाज किया जाना, ये एक कस्बा है, जिला बना दिया गया है जिसको गाजीपुर जिला बोला जाता है। इतना पुराना जिला है यार, ये अंग्रेजों के जमाने का जिला है, लॉर्ड कार्नवालिस की यहीं पर वो है कि नहीं? जी 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 हाँ, लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा 1805 में वो पीजी कॉलेज के बगल में वो आए थे, बंदोबस्ती व्यवस्था जब लागू कर रहे थे तो उसके बाद इनका निधन यहीं पे हो गया। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पौराणिक कहानियाँ जो हैं, तो विश्वामित्र का भी ये जिला है, और हिंदी साहित्य में देखेंगे तो राही मासूम राजा का जिला है, परमवीर चक्र विजेता में देखेंगे तो वीर अब्दुल हमीद का जिला है, और अगर आप देखेंगे अभी उस्मान ब्रिगेडियर उस्मान जी के यहाँ से अभी आ ही रहे होंगे आप मोहम्मदाबाद से, तो ये पूरा जो है ये जनपद ये इतिहास को समेटे हुए बहुत पुराना इतिहास अतीत रहा है। और शेर शाह सूरी के जो दो महत्वपूर्ण सिपहसालार थे वो गाजीपुर के ही लोग थे, यहाँ उनके दो सिपहसालारों के मकबरे भी हैं। तो कहने का मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये जिला तो बड़ा समृद्ध रहा है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से जो इसकी मंशा रही, अब जैसा कि यहाँ जो सत्ता में भी जाता है तो विपक्ष की भूमिका अदा करता है। पहले सांसद यहाँ हरप्रसाद सिंह रहे तो कांग्रेस की सरकार थी, दूसरी बार जब विश्वनाथ सिंह अमरी जी हुए तो उन्होंने सत्ता में रहते हुए विपक्ष की भूमिका अदा की, यहाँ की गरीबी का जिक्र किया, पटेल की कमेटी की रिपोर्ट बनी, नेहरू रोए और पूरा देश रोया, पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहली बार किसी सांसद ने जिक्र किया सदन में और पूरी दुनिया पूरा देश रोया, नेहरू को भी ये चीज़ पता चली, उसके बावजूद वो विपक्ष की भूमिका में ही रहे, लेकिन फिर जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। फिर यहाँ पे कम्युनिस्ट नेता सरजू पांडे जी आए, वो चुनाव रसड़ा से भी जीते, गाजीपुर से भी जीते, उसके बाद दोबारा गाजीपुर ने जिताया। तो जब कांग्रेस की लहर चल रही थी, इंदिरा गांधी की लहर चल रही थी, चाहे वो 71 के एक बात मैंने जो कहा चलिए बहुत पुराना इतिहास में नहीं, एक बात ये आप बताइए कि ये जो बेल्ट था जो गाजीपुर से लेकर के और ये घोसी होते हुए जो एक इसमें कम्युनिस्ट विचारधारा बहुत पनपी और बड़े बड़े नेता इस इलाके में, देवरिया तक इस इलाके के बड़े बड़े कम्युनिस्ट नेता झारखंडे राय, सरजू राय और वो पंडित सरजू पांडे झारखंडे राय और एक जो मैं भूल रहा हूँ देवरिया के पंडित जी थे, तो इन लोगों का और ख़ास करके बक्सर भी इस इलाके में कम्युनिस्टों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनका प्रभाव कम हुआ तो यहाँ अपराधियों का प्रभाव बहुत बढ़ गया, ये दोनों का क्या कोरिलेशन? देखिए रिलेशन जैसे हमने कहा ना कि ये जिला हमेशा विपक्ष सत्य के लिए, वो सत्ता के साथ ज़्यादा उसका अपना जो अपनी भूमिका होती है वो सत्य के साथ खड़े होने की रहती है, क्योंकि ये गरीबों का देश रहा, देश आज़ाद हुआ तो गरीबी परम गरीबी थी, और उसमें कांग्रेस कुछ लोग कांग्रेसी होने के बावजूद कट टू द शॉट, अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आपको क्या लगता है माहौल क्या, और ये मुख्तार अंसारी फैक्टर कितना काम? देखिए मुख्तार अंसारी फैक्टर तो काम करेगा, क्योंकि जिस परिवार का निधन हुआ, जिस परिवार के उसमें अफजाल अंसारी जी सपा और कांग्रेस के गठबंधन से, क्योंकि यहाँ के MP भी हैं, तत्कालीन सांसद भी हैं, वर्तमान में भी हैं, तो असर तो पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा पिलर उस परिवार का ध्वस्त हो गया है। दूसरी तरफ लेकिन अफजाल अंसारी के साथ एक बहुत बड़ा जन समुदाय है यहाँ पे, सपा कांग्रेस का वोट बैंक, तो सपा यहाँ सबसे बड़ी मजबूत पार्टी है, सातों विधानसभाओं को उसने जनपद के और पांचों इस लोकसभा के जीती है, तो कैडर बेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके नेता बहुत बड़े नेता हैं, 85 से वो राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मनोज सिन्हा का विकास भी 19 से 24 के बीच में जिस तरीके से जनता ने, चाहे अफजाल अंसारी को देखे लोग कि या तो कचहरी में रहे या तो जेल में रहे, और सदन में भी शून्यकाल से लेकर के प्रश्नकाल बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जो सांसद के अपने निजी अधिकार दिए गए हैं इस संविधान में, तो उसमें भी कहीं कुछ उसमें भी चुप्पी काल, जो चुप्पी रही शून्यकाल प्रश्नकाल में चुप्पी काल। आप बताए आप किसी पार्टी से? जी नहीं, मैं दीपक उपाध्याय नाम है मेरा, मैं पीजी कॉलेज से छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा हूँ 2018 में। कौन पार्टी से? मैं निर्दल हूँ, पार्टी से नहीं। निर्दल जीत गए? हाँ, वहाँ पे निर्दल ही छात्र चुनते हैं। अपने क्या विचार है? अभी आगे देखा जाएगा, पार्टी अभी समाज सेवा के रूप में। नहीं, अगर राजनीति करने के हिसाब से आपको किस पार्टी में ज़्यादा उम्मीद दिखाई देती? हमारा जिला जो है समाजवादी विचारक जिला है।
क्योंकि यहाँ पे क्रांतिकारी यहाँ के लोग रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये ज़िला ऐसा ज़िला है जहाँ पे हर प्रकार के आपको लोग मिल जाएंगे, गुंडा माफिया भी मिल जाएंगे, विद्वान भी मिल जाएंगे आपको, ये तो हर जगह मिलते हैं। नहीं नहीं, आप हमारे ज़िले, हमारा जो ज़िला है ना उसमें आप नंबर वन है, एक नंबर पे ज़िला चल रहा है हमारा। लेकिन यहाँ के जो सांसद चुने जाते हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो जनहित के मुद्दे, जो छात्रों के मुद्दे होते हैं, उसको दमदारी से नहीं उठा पाते हैं। इसलिए इस बार के युवा ऐसे नेता को खोज रहा है जो दमदारी से अपनी बात, हम छात्रों की बातों को सदन में उठाए। अच्छा देखिए, अभी जिक्र आया राही मसूम रजा का, यही जहां मुख्तार अंसारी का गांव है उससे थोड़ी दूर पर राही मसूम रजा का गांव है। एक किस्सा मुझे याद आ गया, शायद आपको ने, आपको मैंने पहले भी सुनाया हो, लेकिन जब उनका जिक्र आता है तो मैं रोक नहीं पाता हूँ। बी आर चोपड़ा ने महाभारत सीरियल बनाते वक्त राही मसूम रजा से स्क्रिप्ट लिखने को कहा और राही मसूम रजा ने उस पर रजामंदी भी दी। आप जो महाभारत के डायलॉग स्क्रिप्ट देखते हैं वो राही मसूम, तो हुआ ये कि बहुत सारे लोग बी आर चोपड़ा को उस समय भी ये कहने के लिए आए कि महाभारत लिखने के लिए तुम्हें कोई हिंदू राइटर नहीं मिला, और राही मसूम रजा को लोग भी कहते थे कि ये हिंदुओं का जो महाभारत है उसको लिखने की तुमको क्या ज़रूरत है। तो राही मसूम रजा ने बी आर चोपड़ा से कहा कि आप दूसरे से लिखवा लो और ये वो, लेकिन बी आर चोपड़ा ने, तो बहुत दिनों के बाद और चिट्ठियां आने लगी राही मसूम रजा पर के पास, बी आर चोपड़ा के पास, जिसमें कोई राही मसूम रजा को अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सारी लोग तारीफ भी कर रहे हैं। बी आर चोपड़ा ने जो गाली की चिट्ठी आती थी वो भी, और जो प्रशंसा की चिट्ठी आती थी वो भी राही मसूम रजा के यहाँ भेजा, राही मसूम रजा के यहाँ जो आती थी वो आती थी। तो एक छोटी सी पोटली थी, उसको चिट्ठियों की एक पोटली, बड़ी सी छोटी पोटली जो आकार में देखने में बड़ी लगती थी, तो वो हमेशा राही मसूम रजा अपने घर में रखा करते थे। किसी ने पूछा कि ये चिट्ठियों की पोटली आप क्यों रखते हैं और वो क्या है, तो घर के हिसाब से तो थी लेकिन जो चिट्ठियाँ आती थी उनके अनुपात में वो बहुत छोटी पोटली थी। राही मसूम रजा ने कहा कि ये हिंदुस्तान में नफरत करने वालों की संख्या है। मेरे पास लाखों चिट्ठियाँ आईं जिसमें तारीफ थी, जो लोग नफरत की चिट्ठियाँ लिखते थे उसको मैंने पोटली में बंद कर दिया, और इसको मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ कि बस नफरत करने वाले लोग इतनी छोटी मात्रा में है और इसलिए इनकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। तो एक किस्सा मुझे याद आ गया। जी बोलिए। जी मेरा नाम विभा पाल है। लोग अपना अपना विचार रखे हैं। मैं बता दूं आपको कि गाजीपुर शहीदों की धरती है, वीर अब्दुल हमीद की धरती है, और अपने अपने विचार से। आज मैं बता दूं कि गाजीपुर ये सबसे पिछड़ा इलाका है, और विकास 14 में तो गठबंधन मनोज सिन्हा जी जीत गए, 19 में गठबंधन था, मगर विकास, अगर यहाँ की जनता विकास देखी होती तो गठबंधन को भी तोड़ दी होती, मगर मनोज सिन्हा जी कितना कार्य किए हैं, सब लोग अपना पर रख रहे हैं। 2024 का चुनाव अफजाल अंसारी साहब जी और खुद के, आज आप चुनाव में भी आ पाएंगे, अफजाल अंसारी साहब चुनाव यहाँ से जीतेंगे 100% आपको मैं बता रही हूँ। क्योंकि अभी तो अभी आप विकास की बात कर रही थी। आप मैंने विकास बताया ना कि अगर विकास किए होते वो तो 2019 में गठबंधन था, मैं उसी दल में थी, गठबंधन था, गठबंधन के नकारते हुए मनोज सिन्हा को वोट जो मिला था, मगर ये सब लोग जानते थे कि मनोज सिन्हा जी विकास कुछ नहीं किए थे, इसलिए अब जाल अंसारी साहब को वोट दिए सब। अरे इतना बड़ा रेलवे स्टेशन, इतना प्लेटफॉर्म, कलकत्ता दिल्ली बम्बई सब का, गाजीपुर से ट्रेन और कहाँ चाहिए। हाँ कलकत्ता दिल्ली बम्बई ट्रेन सब ला दिए, बंद कर दिए, आज तक प्रत्याशी नहीं घोषणा कर पाए, अब जीत के चले गए वहाँ, सुन लीजिए, जीत के चले गए वहाँ जो किए हैं, फिर उसके बाद में ट्रेन बलिया से लेके गाजीपुर बीच बीच में बंद हो जाती है ट्रेन, कहाँ के वो इंजन सही करें। अरे पटरी बनवा दिया, स्टेशन बनवा दिया, ट्रेन चलवा दिया, कहाँ से ट्रेन में चलो, विकास हारने के बाद लगे बंद करने लग गए। अरे सुना, हम 30-40 साल से गाजीपुर आते हैं, ठीक है, गाजीपुर स्टेशन के सामने 40 वाट का बल्ब जलता रहता था दो, अभी देखो क्या स्थिति है। मैं गलत बोल रहा बताइए? एकदम आप सही कर रहे हैं। शंकर चाय वाले की दुकान 2014 तक, उसके अलावा गाजीपुर में 9 बजे स्टेशन बंद हो जाता था, दो बल्ब लटकते रहते थे, पता नहीं कहीं ट्रेन जाती थी कि नहीं जाती, वही जो लोकल गोरखपुर से वही ट्रेन चलती थी, प्लेटफॉर्म नहीं था, लोग पटरियों पे दौड़ करके लास्ट में जाकर के ट्रेन पकड़ते थे, चोटिल होते थे गिट्टी पर चलने के बाद। ये विकास हुआ है। देखिए आप, आपके प्रश्न में सुन रहा था बहुत देर से, और मैं आपको कारण बता दूं, ये सपा बसपा भाजपा की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर गाजीपुर को कभी राजनैतिक स्थिरता मिली नहीं,
और राजनैतिक स्थिरता न मिलने की वजह से गाजीपुर के आम लोग जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं वो बगावती तेवर अपनाने लगते हैं। जैसे मुझे सुविधा नहीं मिलेगी, मुझे लाइट नहीं मिलेगी, आप अब आपके कैमरामैन को बोलो ये गिट्टी दिखाएंगे, तो ये गिट्टी देखेंगे तो मुझे ये लगेगा कि मैं पूरे 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 5 साल में इस गिट्टी पर चला हूँ, तो मुझे जो सरकार रूल करती है वो भी अच्छी नहीं लगती है। और मैं आपसे आदि पार्टी जीत जाती है तो इसमें गाजीपुर के आम नागरिकों का दोष नहीं है, सरकार को बराबर ध्यान देना चाहिए कि गाजीपुर का भी विकास हो। गाजीपुर में गरीबी बहुत है और गरीब ही हमेशा बगावत करता है, हम ये मानते ही नहीं कि हमारे साथ कोई है। और जहां तक मनोज सिन्हा जी की हार का जो यहां प्रश्न उठ रहा है, मैं आपको बता दूं यहां गाजीपुर में सामाजिक तौर पर सपा बसपा का बहुत बड़ा वोट बैंक है, अगर दोनों वोट बैंक साथ आकर के चुनाव लड़ेंगे तो अच्छे से अच्छा धुरंधर भी यहाँ चुनाव हार जाएगा। लेकिन वो विकास की कमी नहीं है, उसमें विकास दोषी नहीं है, ये सच्चाई है कि मनोज सिन्हा ने यहाँ काम किया है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम अपनी आत्मा अपने दिल के साथ धोखा करेंगे, ये गलत बात है। गाजीपुर में जो भी मिला है 2014 के बाद मिला है, वो जातीय समीकरण ऐसा है यहाँ पर। अभी देखिए चुनाव के नतीजे, चुनावी जीत हार ही आपको बता देते, ये गाजीपुर सीट जो है ये बनारस लोकसभा से सटी हुई सीट है, बावजूद इसके मोदी जी ने वहाँ 3 दिन किया, एक ही समय में दोनों जगह मतदान था आगे पीछे, लेकिन उसका कोई असर गाजीपुर में नहीं पड़ा। मनोज सिन्हा ने बहुत चुनाव कामयाब विकास का किया, ये कोई भी अंधा भी कह सकता। तो लेकिन अगर आप विधानसभा चुनाव देखें 2022 का, सपा बसपा अलग अलग थी, बावजूद इसके बीजेपी का खाता नहीं खुला, 7 की 7 सीटें साफ हो गई, हालांकि ओम प्रकाश राजभर भी उसमें एक फैक्टर थे। एकदम ओम प्रकाश राजभर फैक्टर थे, और इस बार का जो चुनाव है, देखिए ये चुनाव बहुत टफ होने जा रहा है। एकदम सच्चाई है कि मुख्तार अंसारी जो एक्सपायर किए उनका एक गाजीपुर में अच्छा खासा जनाधार रहा है, और आज भीड़ भी उसको बताई होगी, आपने देखा होगा कि 2500 लोग वहाँ पहुँचे थे, तो इसको हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का टूटना समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस का आना, कांग्रेस के पास यहाँ वोट नहीं है, देखिए जो सच्चाई है का कहीं नहीं है वो। अब ऐसे बोलेंगे तो अलग बात है, अब किताब हम तो बोलते हैं 3000 इतना ही वोट है इनका वोट बैंक, वो पारंपरिक कांग्रेसी वोटर है जो मरते दम तक उनको वोट करेंगे। लेकिन बसपा का टूटना और ओम प्रकाश राजभर का भाजपा से जुड़ना ये चुनाव को दिलचस्प बनाता है। ऊँट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता है, हालांकि सिंपैथी आज के डेट में अभी रिसेंट जो घटनाएं हुई हैं निश्चित रूप से अफजान अंसारी साहब के साथ है, और राजनीतिक रूप से हम लोग किसी को दोषी नहीं मानते, ये अपने ज़िले का दुर्भाग्य मानते हैं कि यहाँ कभी सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया। अब सातों सपा जीत गई तो हम देखेंगे ही नहीं, ये गलत है, थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। रोड सीवर सब 5 साल से ख़राब है, आपने खुद इस बात को स्वीकार किया कि मैं इतने दिनों से गाजीपुर आ रहा हूँ, मुझे कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। मैं बता दे रहा हूँ, ये कोतवाली, आप अपने कैमरामैन कालीकांत से कहूँगा, कोतवाली गाजीपुर है ना, उसके बगल से एक कॉलोनी में अंदर रोड जाती है, जो कोतवाली के पीछे एक कॉलोनी पूरी बसी हुई है। मुझे लगता है कि 36 साल पहले मैं एक बारात में आया था, आप यकीन मानिए इसी शाम इसी तरह के मौसम में मैं आया था, उस वक्त मैं बच्चा था, तो जो मुझे आँख से गाजीपुर उस वक्त दिखाई देता था, ये दुकानें, ये सब कुछ मैं आपको बता सकता हूँ, ये दुकानें, ये सड़क तकरीबन मेरी यादों में वैसे ही है जैसे वो जगह। मैं बहुत दिन के बाद यहाँ पर आया हूँ, चूँकि ये चुन्नू टी स्टॉल पे मुझे पता था कि लोग मिल जाते हैं, तो मैं मोहम्मदाबाद से आ रहा था मुख्तार अंसारी के सुपुर्द खाक होने के बाद, मैंने कहा ये एक मैं और आपको बात बता दूँ, हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये जातिगत जगह है जहाँ आप ये क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ना, ये जातिगत आंकड़ा है, लोग उसका सुविधा उठाएंगे ये करेंगे, लेकिन कोई कुछ बोलेगा नहीं। मैं आपको बता दूं, गाजीपुर से बनारस 4 लेन बना ना, वो 4 लेन से पहले गाजीपुर के लोग खुद नहीं डिसाइड कर पाते थे कि हम कैसे बनारस जाएं, कभी चोचकपुर होकर के पीपा पुल होकर के जाते थे, कभी उधर से घूम करके जाते थे, लेकिन गाजीपुर का 4 लेन बना, गाजीपुर तक रोडें आई, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आया, रेलवे लाइन गाजीपुर के लिए अमृत साबित होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ 72 ट्रेनें जो अभी पेपर की न्यूज़ बता रही है, 72 ट्रेनें बढ़ी, उससे गाजीपुर के लोगों को, टेम्पू चलाने वालों को, ऑटो चलाने वालों को, सराय का धंधा करने वालों को, पूड़ी बना करके बेचने वालों की संख्या बढ़ी, हम इसको कैसे इनकार कर सकते। 1.25 घंटे में अगर आप बनारस पहुँच जाएंगे तो आपकी सब्जी, आपका दूध, आपका बहुत सारी चीज़ें, बड़ा बाजार मिलता है, यही गाजीपुर जाने में 2.5 घंटे बस से लगते थे,
हाँ आप बताइए आप किस पार्टी के हैं? हम किसी पार्टी के नहीं, हम पत्रकारिता की पढ़ाई की और इस समय यूट्यूब चैनल चला रहे हैं पत्रकार की पंचायत। तो आजकल तो हर आदमी है तो मोबाइल ले ले रहा है और यूट्यूब पर पत्रकार बन जा रहा है। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, ये जो यूट्यूब की मैं उसका बहुत मुरीद हूँ कि इतना बड़ा बड़ी बहुत टैलेंटेड लोग बहुत अच्छी अच्छी उस पर खबरें भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और एकदम रिमोट एरिया की जहाँ संस्थागत पत्रकारिता या पत्रकार नहीं पहुँच सकते उन चीज़ों को भी उजागर कर रहे हैं। लेकिन एक शिकायत भी है कि उसमें जो जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जो कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, वहाँ कोई कभी कभी व्यूज़ के लिए कुछ भी अनाप शनाप झूठ सच लिख दिया। बड़ा अनाप शनाप उसमें थंबनेल होता है, थंबनेल पैसा लिख दिया जाता है कि व्यूज़ बढ़ने लगती है, लेकिन अंदर तो रिसर्च ही नहीं होती है। मेरा आप अगर कंटेंट देखेंगे, मैं महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ अपने चैनल की, पर उसमें रिसर्च रहता है बाकायदे 10 मिनट की अगर उसमें वीडियो तो रिसर्च रहती है। और जहाँ तक मतलब गाजीपुर की राजनीति की बात है और विकास की बात है, तो यहाँ पे लोग पहले बात तो यहाँ पे जो जीते हुए कैंडिडेट हैं और वो माफिया, उनको जी लगा के बोला जा रहा है। तो जी लगाने का मतलब ही है कि यहाँ पे विकास नहीं होना चाह रहा है आदमी। और गाजीपुर में परिवर्तन कब आया? जब मनोज सिन्हा आए। हम लोग सुहल देव की ट्रेन पर जब बैठते हैं और सुबह दिल्ली 6 बजे पहुँच जाते हैं तो लगता है कि अपनी खुद की रिजर्व गाड़ी में बैठे हैं, और ऐसा कभी गाजीपुर में हुआ नहीं। आज रेलवे ट्रेनिंग सेंटर जोन खुल गया है, किसकी देन थी? ये मनोज सिन्हा की देन थी। ये लोग कह रहे हैं कि अब जालंसार जीतेंगे, फलाना जीतेंगे, इन लोग के जीतने से मिल क्या रहा है गाजीपुर को? मिल तो कुछ रहा नहीं है। और जहाँ तक राजनीति की बात है, मैं आपको भी आंकड़े बता देता हूँ। 4.5 लाख दलित वोटर हैं और करीबन 6 लाख मिला के मुसलमान और यादव वोटर हैं और बाकी सवर्ण है और अन्य है। यहाँ पे क्या है कि जातिगत राजनीति होती है। अगर काम करने वाला जीतता तो केजरीवाल कभी नहीं जीते, शीला दीक्षित जीतती दिल्ली में, और यहाँ पे काम करने वाला होता अगर जीतता तो मनोज सिन्हा आज रहते हैं। पर यहाँ काम करना नहीं चाहते लोग, यहाँ पे अपनी यार यही तो मैं कहता हूँ, विकास और भ्रष्टाचार कभी देश में अगर राजनीति का मुद्दा बन जाए तो फिर बात ही क्या है। जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा आरोप लगे थे बीजेपी ने ही लगाए थे, धीरे धीरे सब बीजेपी की तरफ ही आ गए। और एक लाइन में बोलना चाहूंगा, गाजीपुर को राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है। देखिए बलिया चंद्रशेखर जी ने कंटिन्यू किया विकास, तो कुछ नहीं चंद्रशेखर जी या भले नहीं, लेकिन उनका देन है कि आज प्रधानमंत्री के नाम पर ही कुछ मिला। मोदी जी कंटिन्यू किया, बनारस बन गया। मऊ में कल्पनाथ राय थे, मोदी जी ने काम किया बनारस में, उनके आने से कल्पनाथ राय ने घोसी में किया। लेकिन ये मत कहिए कि चंद्रशेखर जी ने बनारस में बलिया में कोई काम किया है, मैं आपसे ज्यादा नहीं कह सकता। लेकिन नहीं नहीं सुनिए थोड़ा, नहीं नहीं वो एक अलग विषय है। मेरे कहने का मतलब ये है कि गाजीपुर को भी राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता। मैं शुरू में ही मैंने कहा कि कोई रिपीट ना हुआ, ना विधायक रिपीट हुआ। अगर मुझे मालूम है कि मैं काम करके भी हार जाऊंगा और कोई रिपीट नहीं हुआ तो फिर मैं काम क्यों करूं? फिर सांसद नीति है, विधायक नीति है, थोड़ा उधर देखूं। बोलिए आप बताइए क्या विचार है आपके, जल्दी जल्दी बताइए, समय खत्म होने वाला है। देखिए गाजीपुर है, गाजीपुर के एक और भी पहचान है। गाजीपुर में एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर है, जहाँ सबसे ज्यादा फोर्स के लोग हैं, सबसे ज्यादा कमीशन ऑफिसर, सबसे ज्यादा JCO, सबसे ज्यादा अरे वहाँ मैं जाके कार्यक्रम किया हूँ। ओ हमारे बारे में आप जानते हैं, कौने गली गयो ने गिरधारी, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मैं गया नहीं हूँ। गहमर से भी मैंने कार्यक्रम किया है, तो वहाँ हर घर में सेना के जवान हैं। और वहीं नहीं, गहमर नहीं, पूरे गाजीपुर में देश की सीमाओं पर लोग रक्षा कर रहे हैं। और कहीं देश में कहीं छोटी मोटी घटना हो जाए, अगर शहीद होते हैं तो गाजीपुर का जरूर उसमें नाम होता है, एक शहादत जरूर गाजीपुर से होती है। और वहीं यहाँ 5 साल रहे मनोज सिन्हा का भी कार्यकाल रहा, सेना की भर्ती हमेशा साल में 2-2 बार होती थी और बंद हो गई, 5 साल बंद रही, जिससे युवाओं में काफ़ी नाराजगी थी। आप चले जाइए रोड सड़कों पर, देखिए 14-14 साल से लड़के शुरू कर देते हैं दौड़ करना, उनका सपना है कि हम सेना में जाएं, क्योंकि यहाँ कंपनी फैक्ट्रियाँ तो है नहीं, सबसे प्रमुख रहता है। और वही सेना के जो भर्तियाँ बंद हो गई, अग्निवीर की नाराजगी, 19 के चुनाव में वहाँ बीजेपी को उतने बड़े गाँव में 100 वोट मिले थे, तो इस पर भी बीजेपी को ध्यान देना चाहिए। जरा आप उठे तो इन लोगों से बात कर ले, सब लोग यहीं बैठे बैठे मिल गए। आज का कार्यक्रम सबसे कम मेहनत में मेरा कार्यक्रम हो गया, क्योंकि एक ही जगह हर तरह के लोग मिल गए। तो बात मैं ये कह रहा हूँ कि गहमर जिस गांव का जिक्र इन्होंने किया गाजीपुर का, उस गाँव में सबसे ज़्यादा जवान है। और अग्निवीर योजना जिस दिन लागू की गई थी उस दिन मैं उसी गाँव में था, और उस गाँव के तमाम पुराने जो फौज से रिटायर्ड लोग थे, उसमें मेरा एक कार्यक्रम है, आप कभी देख भी सकते हैं, यूट्यूब पर भी है, वो फफक कर रोने लगे जब अग्निवीर योजना की बात आई। और अभी मैं कुछ दिन पहले गया था
तो वहाँ जिस मैदान में हजारों की संख्या में सेना की भर्ती के लिए जवान दौड़ते थे, अब वहाँ पर मुश्किल से एक दर्जन या 25-50 लड़के दौड़ते हैं, क्योंकि अग्निवीर की जो योजना है वो बहुत सारे नौजवानों को उस तरह से आकर्षित नहीं कर रही है जिस तरह से किया जाना चाहिए। बहरहाल एक दूसरा मसला, आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम पूजा गौतम है। पूजा गौतम है सर। आप कौन पार्टी की? पार्टी समाजवादी पार्टी से, जिला सचिव समाजवादी पार्टी गाजीपुर से। समाजवादी पार्टी से जो चुनाव जीतता है अगली बार वो भाग जाता क्यों? सफल नहीं हो पाता है सर। शायद आप फातिमा यहाँ से जीती, अगला चुनाव चली गई जहूराबाद, विजय मिश्रा जीते, अगला पाए थे कि नहीं टिकट? नहीं पाए थे सर। नहीं, पार्टी बदल दिया, नहीं पाए। इस बार समाजवादी पार्टी का आपका चांस है 27 में टिकट का? बिल्कुल दावेदार है। दावेदार है सर। अखिलेश यादव से बातचीत है? बातचीत होती है सर। अखिलेश यादव ऐसे नेता हैं कि वो छोटा बच्चा भी चले जाए तो उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। छोटे ही से बड़ों का बहुत सुनते हैं, ख्याल नहीं करते? बड़ों का भी ख्याल करते हैं सर, छोटे बड़े सबका ख्याल करते हैं। वहाँ टिकट कट दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, क्या सिस्टम है? मुरादाबाद में देखी दो दो आदमी दौड़ दौड़ के पर्चा दाखिल कर रहे हैं, पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है आपके? सर माहौल 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 पर डिपेंड करता है सर, लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या रहेगा? यहाँ पे तो सपा निकलेगी सर, अब जालन साइड निकलेंगे। आप भी सपा में? जी सर। जी बेरोजगारी तो बात ही नहीं की है सर। बेरोजगारी पे बात ही नहीं की। बेरोजगारी पर? जी। अरे हम किस चीज़ पर नहीं बात करते हैं, इस देश में बेरोजगारी की संख्या सबसे ज़्यादा है, नौजवानों को नौकरी मिलने की जगह पेपर लीक मिल रहा है, जो ये आंदोलन नहीं है, जो पेपर लीक हो गया, SI का पेपर लीक हो गया, हम चिल्लाते ही हैं, न जाने कितना दिन से, उस पर कोई फर्क नहीं हुआ सर। पढ़ लिख कर लचा रहे हैं, BJP सरकार में बेरोजगार हैं सर, इसलिए राजनीति हमको ज्वाइन करना पड़ा, सरकार बदलेंगे नौकरी मिलेगी। अरे यार, तो राजनीति में काबिल लोग आते हैं कि जिसका कहीं ठाव ठिकाना नहीं वो राजनीति में आएंगे? सब आते हैं राजनीति में सर, जो सक्षम होता है वही राजनीति कर पाता है। देखिए, एक ज़माने में, मेरी एक बात आप मानिए, राजनीति में जो अस्तर इसका गिरा है, या दुनिया देश और भी क्षेत्रों में जो अस्तर गिरा है, एक कारण ये भी माना जाता था, मनोज सिन्हा को जैसे आप ले लीजिए, वो IIT BHU के MTech है, बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जब वो MTech कर रहे थे तो उनको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के और बहुत बड़े बड़े नौकरी के ऑफर थे, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, वो IIT BHU के स्टूडेंट थे। तो पुराने यानी 80 के पहले के दशक के आप ज़्यादातर नेताओं को देखेंगे तो अपनी पढ़ाई लिखाई के मामले में बड़े अव्वल हुआ करते थे, और अपने पढ़ाई लिखाई के बाद उन्होंने तय किया कि उनको राजनीति या सेवा के क्षेत्र में जाना चाहिए, तो उन्होंने एक स्तर, एक पायदान ऊपर रखा। हालांकि ऐसे नेताओं की भी तब की संख्या है, लेकिन तब भी अगर आप किसी भी स्तर का देखें, मुलायम सिंह यादव की भी अगर आप बात करेंगे, तो अपने गांव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और शिक्षक की नौकरी, टीचर की नौकरी पाने के बाद, राजनाथ सिंह को अगर आप देखें फिजिक्स में PhD करने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। लेकिन बाद के वर्षों में जो लोग समाज के हर क्षेत्र में धकियाए हुए लोग थे, जो असफल लोग थे, उन्होंने राजनीति का रुख किया और राजनीति सेवा की जगह मेवा का क्षेत्र बन गया। राजनीति बदल रही है सर, अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं राजनीति में, आना चाहिए। मेरी योग्यता MSc बॉटनी से, BEd BTC ट्रेड क्वालिफाई, CTET क्वालिफाई, लेकिन सरकार नौकरी ही नहीं दे रही है सर, क्या किया जाए? MSc सर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। अरे ये तो हम अभी ही बोल रहे थे। चलिए बहुत अच्छा। हाँ तो आप बताइए कि मुख्तार अंसारी की वजह से कहीं कोई फर्क दिखाई दे रहा है? बहुत फर्क पड़ा है सर, वो तो भीड़ को ही देख के पता चल गया होगा। 1 बजे रात को रोड पे लोग खड़े होके मुख्तार अंसारी का इंतजार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दिलों में हमदर्दी है तभी तो। चलिए अब 2024 का नतीजा आएगा तो पता चलेगा कि गाजीपुर में हमसे भी कुछ क्वेश्चन कहना चाहेंगे। बोलिए आप क्वेश्चन करिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार है? राष्ट्रपति इस समय कहाँ राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है? अरे अभी होगा ना 24 में, तो देखा जाएगा। इस समय तो लोकसभा का ना चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा के उम्मीदवार का नाम लीजिए। इस बार देखिए ये 3 लोग मिले हैं, इन लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे घर का भविष्य कहाँ जा रहा है। ये होंगे तो OBC की अगर कोई फार्म भी भरने जाएंगे, सरकारी फार्म, तो उसका शुल्क कितना लग रहा है आप भी देखते होंगे।
देखते होंगे कि नहीं, उनको दिखा दीजिए थोड़ा हमको भैया। आप ना बताओ ना, ज्यादा नेता मत बनो। नेता नहीं, नेता है तो बोलना पड़ेगा ना अंकल जी। बोलना अपनी बात बोलो। बात की एक बात, फिर से यहाँ पे साइकिल जीतेगी, फिर से यहाँ पे भैया नगर पालिका के उम्मीदवार भी रहे साइकिल से, यहाँ पर विकास के मामले में। आपका नाम क्या है? अभिषेक यादव रिशु नाम पड़ेगा, छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रत्याशी। समझ, तो माहौल क्या है? मैं बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24, गाजीपुर।